पालीगढ़ा नगला अमरा में पिछले 3 महीनों से चली आ रही नलकूप की समस्या को डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने सुलझा दिया। आपको बता दें, नगर निगम व जल निगम द्वारा गांव पालीखेड़ा में पानी की टंकी का निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग पेयजल की सप्लाई के लिए किया जाना था। टंकी के बनाए जाने के बाद जल निगम और नगर निगम की टीम के द्वारा ट्यूबवेल का कार्य प्रारंभ होना था। जल निगम द्वारा गांव में पानी की टंकी बना दी गई थी व पाइपलाइन बिछा दी गई थी, लेकिन नगला अमरा के ग्रामवासियों द्वारा अनावश्यक विरोध करते हुए पिछले 3 महीने से नलकूप की स्थापना नहीं होने दी जा रही थी, जिससे कि नगर निगम और जल निगम द्वारा बनाई गई पानी की टंकी सफ़ेद हाथी साबित हो रही थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने इस मामले के निस्तारण हेतु डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय को मौके पर जाने के बाद गाँव वासियों से वार्ता की और सभी को समझाया। उनके समझाने के बाद जल निगम और नगर निगम की टीम द्वारा नलकूप की स्थापना के लिए गाँववासी राजी हो गए। डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय द्वारा किए गए प्रयासों के बाद नलकूप का निर्माण कार्य गांव में प्रारंभ हो गया। इसके कुछ महिलाओं द्वारा विरोध करने पर उन्हें महिला पुलिस द्वारा समझा दिया गया तथा डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने सभी गांववासियों को समझाया, जिसके बाद नलकूप का कार्य प्रारंभ कर दिया गया।